आज की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हरिहर रघुवंशी जी और श्रीमती सारिका जैन जी, सभी मेरे मीडिया के मित्रों, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के नित नए खुलासे हो रहे हैं और उससे आम आदमी पार्टी के चेहरा बेनकाब हो रहा है कि सत्ता पाने से पहले वो कुछ और थे, सत्ता पाने के बाद उनके चाल चरित्र चेहरा बदल गया है और एक ही मानसिकता है कि कैसे भी सत्ता में आओ और लूटपाट करो, कब्जे करो, गुंडागर्दी करो। इसका एक नया उदाहरण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अंदर मिला है। जो जगह सरकार की है, डीडीए की है, उस पर लैंड जिहादियों के द्वारा जो आम आदमी पार्टी के वहां के विधायक सोमनाथ भारती, जो अरविंद केजरीवाल जी के बड़े करीबी हैं, उनके पुराने छात्र जीवन के सखा भी रहे हैं, उनके सोमनाथ भारती के संरक्षण में लैंड जिहादियों के द्वारा पहले पुराने कब्रिस्तान की जगह, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है, उस जगह को कब्जा किया गया। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। उस बिल्डिंग माफिया को चलाने वाले दो शख्स लियाकत अली और मकसुद्दीन, ये दो शख्स जो वहां के विधायक सोमनाथ भारती के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, लेफ्ट एंड राइट हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल के नज़दीकी सोमनाथ भारती के नज़दीकी है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के द्वारा, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जगह है जो कब्रिस्तान के लिए थी, उस पर कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद यही लोग लैंड जिहाद के नाम पर आम आदमी पार्टी की संरक्षण में डियर पार्क, जो डीडीए का है, उस पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश का समर्थन वहां के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसका ये ताजा तरीन उदाहरण है। ये देखिए, ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान हौजखास गांव, ये उस डियर पार्क की जगह पर लगा है जो डीडीए की जगह है डियर पार्क की। ये देखिए, सौजन्य से ये मिटा दिया गया है। ये नाम है सोमनाथ भारती, प्रिय विधायक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से, जो अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास हैं। इनका काम है लैंड जिहादियों के द्वारा डीडीए की जगह, सरकारी जगह, हरा भरा स्थान, लोगों के खेलने कूदने की, वहां पर सैर करने की जगह पर कब्रिस्तान बनाने की साजिश लैंड जिहादियों के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनके विधायक के द्वारा की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जिसने 4 अगस्त 2014 को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा है कि डिमार्केशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बेरिंग खसरा नंबर 261 एंड 262, 261 नंबर खसरा, 262 नंबर खसरा, हौज खास गांव का, जो कि वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान की जगह है, उसको वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार को पत्र लिख रहा है कि आई हैव टू स्टेट दैट द लैंड बियरिंग खसरा नंबर 261 एंड 262 सिचुएटेड एट विलेज हौज खास दिल्ली
आर ड्यूली नोटिफाइड बाय वर्च्यू ऑफ गजट नोटिफिकेशन डेटेड 16 अप्रैल 1970। 16 अप्रैल 1970 को ये जगह दिल्ली सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड के दी गई कब्रिस्तान के लिए दी गई। इट इज पॉइंटेड आउट दैट लीगल नोटिस हैज बीन सर्व अपॉन द दिल्ली वक्फ बोर्ड टू लिबरेट द अबव सेड लैंड फ्रॉम द इनक्रोच लैंड ग्रेवर्स एंड द रेस्टोर द सेम टू द पब्लिक इशू। ये वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन है, वक्फ बोर्ड की डिमांड है और इसी जगह को सोमनाथ भारती के लेफ्ट और राइट आम आदमी पार्टी के नेता लियाकत और मकसुद्दीन उस पर उस वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करते हैं और फिर डियर पार्क जो जनता के लिए है, मालवी नगर में रहने वाले रिहायशी लोग जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं वो वहाँ पर सैर करने जाते हैं, अब वो चले हैं उस डियर पार्क पर कब्जा करने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। ये एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम करने का एक तरीका कि पहले सत्ता हासिल करो। अमातुल्ला खां वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उन्होंने दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चलने वाले प्राइमरी स्कूल जो कि मुसलमान बच्चों के पढ़ाई के लिए तालीम के लिए होनी चाहिए उस जगह को उन्होंने स्कूल हटाकर दुकानें बना दी, वहां से पैसा उगाही की, उसको राजनीतिक रसूख के लिए इस्तेमाल किया। उसी तरह से यहां पर जो कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की जगह पर है उस पर आम आदमी पार्टी के विधायक के गुर्गों ने, उनके खास ने कब्जा किया, बिल्डिंग बनाई और अब नया कब्रिस्तान लोगों के सैर करने वाली जगह डियर पार्क पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बताएं क्या यही आपका काम करने का मॉडल है, एजेंडा है कि आप अपने विधायकों को आपने खुली छूट दे रखी है, कब्जे करो, भ्रष्टाचार करो, लैंड जिहाद करो, कुछ भी करो, हमारे पास गुलाबी नोटों की गड्डियां आनी चाहिए, यही मकसद आज अरविंद केजरीवाल का और उनकी सरकार का रह गया है। ये विषय बहुत ही ज्वलंत है, मालवीय नगर की जनता के अंदर बहुत ही रोष है और इसलिए आज जनता के बीच में, लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल आखिर आप भ्रष्टाचार में इतना डूब गए कि आपने लोगों की जो जमीन है, जो पार्क की जगह है उस पर भी आपने लैंड जिहादियों के द्वारा कब्जा शुरू करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल। देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जो कि खास तौर से जो इस्लाम मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी तालीम के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करती है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के स्वार्थी लोग वहां आ गए तो उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों का मिसयूज करना शुरू कर दिया, लैंड ग्रैबिंग शुरू कर दी, इंक्रोचमेंट करके वहां बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, यहां तक कि स्कूल को हटाकर वहां दुकानें बना दी। ये उनके क्षुद्र स्वार्थों की ओर इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में इतनी डूब गई है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का भी वो दुरुपयोग करने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए आज जिस तरह से हमने एक खुलासा किया और वो खुलासा है ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज के बहुत ही करीबी केएस लांबा जो सीआर पार्क से उनकी निगम का चुनाव भी लड़े हैं, उन्होंने केएस लांबा ने पार्टनर हैं वो उस कंपनी के जिसने एल जो एल वन है
जिस जोन के जोन नंबर 19 एंड जोन नंबर 29 उसके पार्टनर हैं, ऐसे करीबी के एस लांबा जो सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं और आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उसी तरह से इस शराब की पॉलिसी लाने में और फिर उसका फायदा उठाने के लिए सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को पार्टनर बनाया गया। दुर्गेश पाठक भी उनमें से एक हैं। दुर्गेश पाठक को भी वो सारे जिस तरह से जांच की सुई उनके ऊपर जा रही है और जिस तरह से जो बातें बाहर आ रही हैं कि शराब की नई पॉलिसी बनाने में, शराब के ठेकेदारों के साथ लेनदेन में दुर्गेश पाठक का भी हाथ है, तो उससे कोई अछूता नहीं है। कहते हैं कि केजरीवाल जी कहते थे पहले गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं लेंगे। अब क्या होता है, घर से निकलते ही पहले वो कौन सी गाड़ी है, ग्लोस्टर, घर से निकलते ग्लोस्टर गाड़ी से और उड़ते हैं चार्टर्ड प्लेन से और गुजरात जाके ऑटो में बैठ जाते हैं। अब ये जो पैसा चार्टर्ड प्लेन से ग्लोस्टर गाड़ी पे, ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा शराब नीति से आया है। चार्टर्ड प्लेन से चलने का पैसा अरविंद केजरीवाल के पास, ग्लोस्टर गाड़ी से चलने का पैसा और वहाँ खर्च करने का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सारा शराब नीति से आ रहा है। अब शराब नीति बनाई तो पैसा मिले कैसे, इसलिए उन्होंने अपने विधायक, अपने कार्यकर्ताओं को ही पार्टनर बनाए। उनमें दुर्गेश पाठक भी हैं, सौरभ भी हैं, सारे लोग उसमें शामिल हैं, पूरी आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है और वो हिस्सा पत्ती करके गुलाबी नोटों की गड्डियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा रहे थे। देखिए, DDA ने अभी हाल में जो दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी, उन्होंने भी बहुत सारी जगह, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह उन्होंने इनक्रोचमेंट अतिक्रमण से हटाकर वापस DDA और दिल्ली सरकार और लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से ये डिमांड करेगी कि जो बाकी बची जमीन है उसको भी खाली कराया जाए। धन्यवाद।